हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2020, तो 2020 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके आयोजित ये जो होने थे 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण आपके नहीं हो पाए। तो ये अब कब हो रहे हैं, आपके 2021 में हो रहे हैं, और कब से कब तक होंगे ये, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, ठीक है। तो टोक्यो पैरालंपिक के बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक भी गेम आपके कहाँ पर हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। तो टोक्यो पैरालंपिक भी आपके कहाँ पर होंगे, आपके टोक्यो में होंगे, ठीक है। कहां पर होंगे, टोक्यो जापान में होंगे। तो ये सेकंड बार आपके जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट टाइम ये कब हुए थे, 1964 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1964 में हुए थे, दूसरी बार कब हो रहे हैं आपके 2020 यानी कि 2021 में आपका शेड्यूल जो जारी हुआ है। तो ये आपका जो एडिशन है यानी कि संस्करण की बात करें तो ये टोक्यो ओलंपिक जो है, पैरा ओलंपिक है, ये कौन से नंबर के हैं, ये 16वें नंबर के हैं, ठीक है, 16वें नंबर के हैं। तो बात करते हैं हम इससे पहले वाले जो हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, और जो अगले वाले होंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो 16वें नंबर के कहाँ पर हो रहे हैं, आपके टोक्यो में हो रहे हैं। तो 15वां जो हुआ था एडिशन टोक्यो पैरालंपिक का, वो कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। कहाँ पर हुए थे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और इससे अगला वाला, ठीक है, 16वां आप चल रहा है, तो यानी कि 17वां जो होगा कहाँ पर होगा, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शुभंकर के बारे में, इसके मैस्कोट के बारे में। मैस्कोट जो है टोक्यो पैरालंपिक का वो क्या है, सोमाइटी, क्या है, सोमाइटी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, टोटल कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं, 163 जो है देश इसमें भाग ले रहे हैं, और इसमें से जो भारतीय खिलाड़ी है वो कितने आयोजित आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 54 खिलाड़ी, ठीक है, 54 खिलाड़ी है, जिसमें से 17 खिलाड़ी हरियाणा के हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, 54 खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं, और इनमें से 17 खिलाड़ी किसके हैं, हरियाणा के हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्घाटन समारोह की, जो इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है, जापान के जो सम्राट हैं नारुहितो, ठीक है, जापान के जो सम्राट हैं नारुहितो, इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। बात हम कर लेते हैं फ्लैग बियरर यानी कि भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं। आप सभी को पता है जो भारतीय ध्वजवाहक थे पहले कौन थे, मरियप्पन होने वाले थे, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव पाने के कारण अब वो नहीं हो पाए हैं फ्लैग बियरर। तो ध्वजवाहक कौन हुए हैं, टेकचंद हुए हैं, जो एक जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। तो ये थे टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम एक और वीडियो में बात करेंगे कि कितने जो मेडल आएंगे आपके, उसके बारे में फिर वहाँ पर बात करें थे, ठीक है। तो ये आपके टोक्यो पैरालंपिक के बारे में एक ओवरव्यू था, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में। आप कर सकते हैं नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।